हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे MIUI 13 के कुछ और भी सिस्टम ऐप के अपडेट निकल के आए। जैसे पता है, मैंने 1 वीक पहले एक वीडियो बनाई थी MIUI 13 के सिस्टम ऐप के अपडेट की। अब पता है MIUI 13 की टेस्टिंग चल रही है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे सिस्टम ऐप के अपडेट निकल के हैं। मैं बताऊँगा कौन कौन से ऐप के अपडेट निकल के और कौन कौन से फीचर ऐड हुए हैं, और अपने फ़ोन के अंदर मैंने एक्टिवेट भी कर लिए और आप भी कर सकते हैं उन फीचर का, जो कि आपको MIUI 13 के अपडेट के साथ देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करते थे। मैं बताऊँगा आपको कौन कौन से ऐप के अपडेट है, कौन कौन से रहे हैं, और MIUI 13 लॉन्च होने वाला है यार बहुत जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे नहीं हो तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और वीडियो लाइक नहीं है तो लाइक कर देना यार, 200 लाइक रहता हूं, आई होप आप इसे कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ऐप के अपडेट की बात करें तो वो निकल कर रहा है MIUI 13 का गैलरी एप्लीकेशन का अपडेट। जी हाँ, इन सभी की डाउनलोडिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब काफ़ी लोगों के कमेंट बॉक्स में ये आते हैं कि हम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहे, तो मैंने हर वीडियो में बताता हूँ किस प्रकार से आपको ज्वाइन करना है। आपको फिर से बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे हमारे लिंक पर, तो डायरेक्ट इस चैनल पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आपके फ़ोन के अंदर टेलीग्राम ऐप होना चाहिए, या हमारे टेलीग्राम पर चैनल सर्च कर सकते हैं टेक्निकल से, वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। या आपको कुछ इस प्रकार का एरर आए, ठीक है, तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करके ओपन इन क्रोम पे करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे चैनल के अंदर। और सिंपली मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूं पहले अपने फोन के अंदर, और उसके बाद आपको दिखाता हूं इसके अंदर हमें क्या कुछ फीचर देखने को मिलता है। तो फिलहाल मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर लेता हूं। फिलहाल के लिए गैलरी एप्लीकेशन अपडेट हो चुकी है, ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम गैलरी के अंदर जाते हैं, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आप देखेंगे 383 फोटो और एंड 101 वीडियो, ये काउंट करके हमें शो करता है ऊपर की साइड। तो ये आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको पता है फोटो के अंदर एक फीचर पहले से थी, लेकिन आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ चेंज किया गया। जैसे कि फोटो के अंदर आपको देखने को मिलता है फुल जूम आउट कर दिया मैंने अपने गैलरी एप्लीकेशन को। अब देखते हैं 1 एंड 2, देखिए 2 बारी मैं इसको जूम कर सकता हूँ पूरा जूम आउट करने की बात, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को अब वीडियो के अंदर यहाँ पे भी ला दिए गए, पहले इसको एक ही बार जूम कर सकते हैं। अब मैं फुल जूम आउट कर लेता हूँ, पूरा जूम आउट कर लेता हूँ, पहले वीडियो में आप पूरा जूम आउट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वीडियो के अंदर देखते हैं 1 एंड 2, अब देखिए 2 बारी मतलब पूरा जूम आउट वीडियो सेक्शन भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन में आपने जो भी फोटो क्लिक किया तो यहाँ से आप शो कर सकते हैं, तो ये कुछ आपको देखने को मिलेगा। और एल्बम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे क्लीनर ट्रैश बिन ये कलरफुल में देखने को मिलेगा। 3 डॉट के अंदर जाते हैं और सेटिंग के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे एक मैनेज परमिशन का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। जी हाँ, तो ये आप देखते हैं मैनेज परमिशन का, इसके अंदर गैलरी एप्लीकेशन के अंदर एक और नया फीचर आ चुका है। साथ साथ और भी हम पीछे की ओर चलते हैं और यहाँ पे व्यू मैप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इसको एग्री करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं थोड़ा सा ये लोड लेगा, फर्स्ट टाइम हम करेंगे उसके बाद ये लोड नहीं लेगा, तो थोड़ी देर देखते हैं और देखते हैं। तो हम करते हैं इसको जूम आउट, तो जहाँ पे आपकी फोटो होगी वो लोकेशन शो करेगा। भाई डायरेक्ट क्लिक हो जाए, भाई क्या हो रहा है भाई, ये देखो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा इस गैलरी एप्लीकेशन के अंदर में। नेक्स्ट चेंज की बात की तो वो आता है MIUI 13 का फाइल मैनेजर। जी हाँ, इसके भी हर वीक कोई ना कोई अपडेट निकल के आते हैं और कोई ना कोई फीचर इसमें भी देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए मैं इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, इन सभी की डाउनलोडिंग हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए इंस्टॉल हो चुका है, आपकी जो फाइल मैनेजर है वो वहीं के वहीं रहेगी, लेकिन एक MIUI 13 वाला फाइल मैनेजर आपको इसके अंदर ऐड देखने को मिल जाएगा। वैसे ऑफिशियली MIUI 13 के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले इसका फोल्डर का जो कलर है, पहले आपको मतलब थोड़ा सा यहाँ पर मतलब आपको डार्क कलर नहीं देखने को मिलता था उतना, अब यहाँ पे पूरा का पूरा इसे डार्क कर दिया गया, तो ये आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे स्मूथनेस को और थोड़ा इंक्रीज किया गया, प्लस यहाँ पे MI ड्राइव का एक ऑप्शन ऐड कर दिया गया। पहले मी ड्राइव का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिल जाता था, लेकिन अब मी ड्राइव का भी ऑप्शन इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। जी हाँ, तो ये कुछ आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसमें स्मूथनेस और इसके फोल्डर जो होते हैं उसको कलर को थोड़ा डार्क कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देखते हैं इस प्रकार से इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, कई बार क्लिक कर रहे थे तो वो हो नहीं पा रहा था, ठीक है, तो वो अब इसके अंदर अच्छी तरीके से होता है। साइज के अंदर करेंगे, टाइम नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको अलग ही तरीके का एनिमेशन देखने को मिल जाता है। पहले थोड़ा लैग था, लेकिन अब इसको और भी इंप्लीमेंट किया गया। तो और यहाँ पे 3 डॉट के अंदर जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको वैसे ही देखने को मिलती है। स्टोरेज पे अंदर जाते हैं तो ये डायरेक्ट वहीं पे हमें डिरेक्ट कर देता है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलता। सेटिंग में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे की वैसे देखने को मिलती थी जैसे आपको पहले देखने को मिलती थी। तो फिलहाल के लिए जाते हैं हम होम स्क्रीन पे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो निकल के आता है सिस्टम लॉन्चर को लेकर। जी हाँ, इस बार सिस्टम लॉन्चर का वर्जन पूरा चेंज देखने को मिलता है। पहले अपने जितने भी लॉन्चर यूज किए थे 4.25 उसका
वर्जन देखने को मिलता था, लेकिन अब इसका वर्जन कर दिया गया 4.26 वर्जन। जी हाँ, वर्जन में जंप किया गया, लेकिन कुछ फीचर ऐड हुआ है, मतलब आपको दिखाता हूँ क्या कुछ फीचर ऐड हुआ है। अब मैंने इसको डन किया, अब यहाँ से ध्यान से देखना, मैं होम स्क्रीन के अंदर जाता हूँ तो किस प्रकार की लोडिंग स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो ये एक एनिमेशन ऐड किया गया है। जी हाँ, अभी मैं वापस से अपने थीम को अप्लाई करके दिखाता हूँ, यहाँ जहाँ पर भी कोई भी चीज़ लोडिंग होगी तो इस प्रकार का हमें एनिमेशन देखने को मिलेगा। हम जाते हैं वापस से होम स्क्रीन के अंदर और जाते हैं इसके अंदर, हो जाओ भाई, तो देखते हैं किस प्रकार का एक एनिमेशन आपको देखने को मिलता है कुछ सेकंडों के लिए। पहले क्या होता था कि आप कोई भी चीज़ लोडिंग स्क्रीन में जाते हैं तो वो एक प्रकार से लगता था आपका फोन लैग हो चुका है, लेकिन अब भी कोई भी लोडिंग स्क्रीन आएगी तो वहाँ पे एक एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक एनिमेशन इसके सिस्टम लॉन्चर के अंदर ऐड किया गया है। प्लस कई फ़ोनों के अंदर यहाँ पे कैमरा का जो UI होता है ना, वो चेंज हो जाता है थोड़ा सा, देखेंगे पहले कई फ़ोनों के अंदर, सभी फ़ोनों के अंदर ही, लेकिन कई फ़ोनों के अंदर कैमरा का UI थोड़ा सा चेंज हो जाता है इस सिस्टम लॉन्चर के साथ में। अगला फीचर इसके अंदर ऐड हुआ सिस्टम लॉन्चर के अंदर, देखते हैं, पिंच आउट करता हूँ अपने फ़ोन को। पिंच आउट करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए ये एप्लीकेशन और ये एप्लीकेशन मैंने ली है, अब इसको मैं प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे काउंटिंग दिखा रहा है भाई, देख सकते हैं यहाँ पे दो काउंटिंग आपको देखने को मिल जाती है। फिलहाल के लिए मेरा फिंगर आ रहा है, उसकी वजह से आपको ठीक तरीके से दिख नहीं रहा। जितने भी एप्लीकेशन लेंगे तो वहाँ पे आपको काउंटिंग दिखाएगी, पहले सिंपल सा होता था लेकिन अब यहाँ पे काउंटिंग भी आपको शो करता है। कुछ चीज़ों की बात करूँ, वो बाकी सारी चीज़ें आपको वैसे देखने को मिलती है, विजिट्स वगैरह या आपको MIUI 13 वाले आपको देखने को मिलते हैं, सेटिंग वगैरह सारी चीज़ें, ये सारे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो सब कुछ आपको वैसे का वैसे देखने को मिलता, और कुछ यहाँ पे आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो निकल कर यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन को लेकर। जी हाँ, इस कैमरा एप्लीकेशन का मैंने आपको डाउनलोड लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे नहीं दिया, इसका रीजन है अभी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहे। लेकिन कुछ फीचर ऐड हुए वो बताता हूँ क्या कुछ ऐड हुए। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा फोन के अंदर इंस्टॉल हो चुका है, अब अपने चलते हैं होम स्क्रीन के अंदर। होम स्क्रीन के अंदर जाते हूँ मैं, मोर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट के, फर्स्ट ओवर आप करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, प्रोटेक्ट यूअर डॉक्यूमेंट। तो फिलहाल के लिए एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, तो रही लेते हैं हम एक बार स्क्रीनशॉट। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन ऐड हो चुका, और यहां पे आप देखेंगे एक प्राइवेसी का ऑप्शन ऐड हो चुका है। पहले ये प्राइवेसी का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, लेकिन एक प्राइवेसी का ऑप्शन इसके अंदर ऐड हुआ। अब प्राइवेसी का ऑप्शन है कि आपको दिखाता हूं, जैसे कि आपका कोई भी आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, यहां पे एंटर पे क्लिक कीजिए और यहां पे मान लीजिए मैं अपना नाम डाल देता हूं, यहां पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब आपने जो कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है उसको देखते हैं यहां पे एक वाटरमार्क देने के लिए। देखते हैं अब शुभम 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 शो कर रहे हैं, तो कोई अदर किसी के पास ये शेयर होगा तो वहां पे मेरा क्रेडिट जाएगा कि भाई शुभम के थ्रू ये शेयर किया गया, मतलब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका डॉक्यूमेंट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लिक हो चुका और इस पे सभी पे मेरा वाटरमार्क आपको देखने को मिल जाता है, शुभम शुभम टू, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। देखते हैं अब प्रोटेक्ट प्राइवेसी का इसके अंदर ऑप्शन आ चुका है, पहले ये नहीं देखने को मिलता था। यहाँ पे एडिट में जाके इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, क्लियर हिस्ट्री कर सकते हैं, और आपको जो भी लगाना है अपना वाटरमार्क वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आपको लेनी है तो ये भी आप ले सकते हैं, इनहांस भी ले सकते हैं, और कोई भी आप ले लीजिए, मान लीजिए ओरिजिनल ले लीजिए। और ओरिजिनल लेने के बाद यहाँ पे एडिट में जाके भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप तीनों ही फॉर्मेट में कोई भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट में करना है, इनहांस में करना है, तो वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये एक फीचर ऐड हुआ है कैमरा एप्लीकेशन के अंदर। फोनों के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी देखने को मिल जाता है डॉक्यूमेंट के साइड में, एक और एक्स्ट्रा फीचर। फिलहाल के लिए मेरा फोन सपोर्ट नहीं कर रहा तो इस वजह से नहीं आ रहा, इस प्रकार से लेआउट भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं बता दूं इसका डाउनलोड लिंक मैंने जो कैमरा एप्लीकेशन का दिया क्यों नहीं है, तो मेरे पोको F3 GT के अंदर परफेक्टली वर्क कर रहा है इंडियन रोम के अंदर, लेकिन मैंने रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर ट्राई किया तो ये भैया कैमरा एप्लीकेशन ओपन ही नहीं हो रहा, तो इस वजह से मैंने इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया, ठीक है। कैमरा एप्लीकेशन खोलोगे तो वो ओपन ही नहीं हो रहा कई कई फोनों के अंदर, और कई फोनों में सपोर्ट कर रहा है। अब कई लोग तो अनशुल कर लेते हैं अगर उनका नहीं हो पाता तो, ठीक है, लेकिन कई लोग नहीं कर पाते, तो इसका लिए मैंने डाउनलोड लिंक नहीं दिया। लेकिन MIUI 13 के साथ आपको ये फीचर देखने को मिला, मैंने सोचा ये आपको बता दिया जाए। आई होप आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और MIUI 13 का वेट है यार, MIUI 13 की बहुत सारी सुपर इन्फॉर्मेशन आने वाली है, आती रहेगी डेली कुछ ना कुछ, और MIUI 13 भी लॉन्च होने वाला है तो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक नहीं तो लाइक कर लेना। आई होप आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।